मैं डॉक्टर प्रमाण झा संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर कीर्तनायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी 18/10/2020 ईस्वी प्रिय छात्र छात्राओं शास्त्री तिथि खंड व्याकरण विभाग भाषा विज्ञान चल रहा है। आज का है भाषा विज्ञान में ग्रीम नियम। हाँ, इसका ऐसा प्रश्न आता है ग्रीम नियम हुआ, ग्रीम नियम का उदाहरण विवेचन कीजिए, ऐसे इस तरह के प्रश्न आता है, लेकिन मुख्य हुआ ग्रीम नियम। भाषा मनुष्य के विचारों की वाहिका है। मनुष्य अपने विचारों या भावों का प्रकाशन भाषा के द्वारा ही करता है। भाषा के अभाव में उसके विचार कभी स्पष्टतया मूर्त रूप धारण नहीं कर सकते हैं। सांसारिक पदार्थों के प्रतिपल दृश्य या अदृश्य परिवर्तन नैसर्गिक है। सांसारिक भाव होने के कारण भाषा में ही यह परिवर्तन होता ही रहता है, परंतु भाषागत परिवर्तन प्रतिपल होते हुए भी उसका प्रभाव कालांतर में ही होता है। भाषा से उसकी ध्वनि शब्द रूप अर्थ सबों का बोध होता है, क्योंकि ये सभी भाषा के मूल रूप आधार होते हैं। भाषागत परिवर्तन से ये सभी प्रभावित होते हैं, फलतः उसकी ध्वनियों में रूप में शब्दों में तथा अर्थ में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन प्रत्येक भाषा को कुछ विशिष्ट ध्वनियों में कुछ विशेष परिस्थिति में काल विशेष में हुआ करता है, परंतु ये परिवर्तन वैज्ञानिक नियमों की भांति सर्वदा सत्य नहीं होते हैं। ध्वनि नियम का सबसे प्रमुख उदाहरण ग्रीम नियम है, जिसमें भारूपी भाषा के शब्दों से जर्मन वर्ग की भाषा के शब्दों में हुए ध्वनिगत परिवर्तनों को नियमबद्ध किया जाता है। यद्यपि ध्वनि परिवर्तन संबंध नियमों का सूत्र ग्रीम नियम से जोड़ा जाता है, किंतु उसका संकेत उसके पहले ही राष्ट्र और इसरे ने दिया था, और वस्तुतः यह नियम राष्ट्र का नियम ही है, क्योंकि प्रसिद्ध है कि अंग्रेजी में ईट If anyone man is to give image name to this law, better name would be this law. परंतु याकूबी ग्रीम नाम के जर्मन विद्वान ने उसे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया है, अतः इस नियम का नाम ग्रीम नियम प्रचलित हो गया है। संस्कृत ग्रीम, ग्रीक, जर्मनी, लैटिन, गाथिक आदि भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में ग्रीम महोदय ने देखा कि संस्कृत आदि भाषाओं की कुछ ध्वनियां जर्मन भाषा में आकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई है।
मुनि परिवर्तनों की में कुछ नियमबद्धता है, अतः उन्होंने विषय नियमबद्ध किया। उन्होंने संस्कृत आदि भाषा से जर्मन भाषा में हुए परिवर्तनों को दो कोटियों में रखा। प्रथम परिवर्तन तो वह है कि जब जर्मन भाषा और भाषाओं से पृथक हुई, और दूसरा परिवर्तन जब जर्मनी भाषा उच्च और निम्न रूपों में विभाजित हुई। प्रथम परिवर्तन प्रागैतिहासिक युग में अर्थात करीब 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ होगा, ऐसी विद्वानों की धारणा है। उसी समय जर्मनी भाषा संस्कृत लेटिन आदि भाषा से अलग हुई थी। द्वितीय परिवर्तन 600 शताब्दी के आसपास हुआ, जब जर्मन भाषा दो विभागों में विभाजित हुआ, जिसे निम्न जर्मन और उच्च जर्मन कहते हैं। उच्च जर्मन भाषा से अभिप्राय है वर्तमान काल ही जर्मन भाषा, और निम्न जर्मन के अंतर्गत अंग्रेजी, डच, डेनी आदि भाषाएं आती है। यहाँ उच्च और निम्न शब्द मात्र भौगोलिक परिस्थिति के कारण है, न कि भाषागत प्रधानता और गौणता। ग्रीम के अनुसार प्रथम ध्वनि परिवर्तन इन रूपों में हुआ, मूल भाषा का अघोक अल्प प्राण क त प, जर्मन भाषा में अघोष महाप्राण ख थ फ, घोक महाप्राण घ च भ, जर्मन भाषा में घोक अल्प प्राण ग द ब, मूल भाषा का घोक अल्प प्राण ग द ब, जर्मन भाषा में अघोक अल्प प्राण क त प। यद्यपि याकोबी ग्रीम जर्मन विद्वानों के कारण अधिकतर उदाहरण ग्रीक, लातिन, गाथिक भाषा का मूल रूप में दिए हैं, परंतु संस्कृत को मूल भाषा का प्रतिनिधि मानकर तथा अंग्रेजी को जर्मन का प्रतिनिधि मानकर निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। संस्कृत क से ख ह, क द क, जर्मनिक अंग्रेजी हवा हु ह, संस्कृत त से ठ, दंत तनु जी, जर्मनिक अंग्रेजी चोच फिंक थ्री, संस्कृत प से फ, पिता पशुपाल, जर्मनिक अंग्रेजी फादर फी फुट, संस्कृत घ ह से ग, हंस दुहिता, जर्मनी गुज द गाजर, संस्कृत घ से द व विधवा धूम, जर्मनी गुडो डस्ट, संस्कृत भ से ब भ भातृ, जर्मनी बी ब्रदर, संस्कृत ग से क गो जो, जर्मनी क योग, व प से ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण संस्कृत में भी प्राप्त नहीं है। इस तरह से
जी इसका उदाहरण इस प्रकार है। द्वितीय वर्ण परिवर्तन, यह वर्ण परिवर्तन छठवीं शताब्दी के समय में जर्मन भाषा से अंग्रेजी के पृथक होते समय हुआ। उस समय घोक अल्प प्राण ग द ब से अघोक महाअल्प प्राण क त प, अघोक अल्प प्राण क त प से अघोक महाप्राण ख ठ फ, अघोक महाप्राण घ ध भ से घोक अल्प प्राण ग द ब में परिवर्तन हो जाती है। उन सभी परिवर्तनों के उदाहरण आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने संक्षेप में निम्न रूप से दिया। जर्मनिक अंग्रेजी क से ख बुक, उच्च जर्मन आधुनिक जर्मन बुच, ख से छ स वाटर, उच्च जर्मन फ्री वेसर, निम्न अंग्रेजी फ से फ स्प्रिंग, उच्च जर्मनी फ्रोलिंग, स्लीप, निम्न जर्मन अंग्रेजी उच्च जर्मनी स्लाइफेन, निम्न अंग्रेजी थ से ड थ्री, उच्च जर्मनी का आधुनिक ग्रह, निम्न जर्मनी नॉर्थ, उच्च जर्मनी नॉर्देन। तो उपर्युक्त नियम से कुछ परिवर्तन तो नियमित हो गए, परंतु उसके अपवाद भी अनल्प रह गए, जिसका आभास स्वयं ग्रीम महोदय को भी मिला, जो अपने में काफी नियमित थे और उक्त परिवर्तन नहीं हुआ था। एक अपवाद यह नियमित रूप से प्राप्त हुआ कि उक्त क त क से पूर्व में स रहे या उसके बाद च रहे तो परिवर्तन नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि अस्क अस्त अस्त कत प्रत और तो की ध्वनियां रहने पर परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी क्रीम नियम के अपवाद के रूप में प्राप्त होते हैं। यथा भारोपी पिस्केस जर्मनी पिस्क ख होना चाहिए, भारोपी अस्ति जर्मनी अस्त स होना चाहिए, भारत यूरोपी अस्पर्श जर्मनी स्पेहेन फ होना चाहिए, भारत यूरोपी नप्ता जर्मनी नप्त निस्त थ होना चाहिए, भारत यूरोपी कित जर्मनी किवासस्सा थ होना चाहिए। उपर्युक्त उदाहरणों में ध्वनि नियम लागू नहीं होते। इसी में ग्रासमन नियम है। ग्रीम ने उपर्युक्त उदाहरणों की अपवाद के रूप में रखकर उसका समाधान करने की चेष्टा की, परंतु सबों का समाधान नहीं हो सकता। जैसे बोधति व्योधति दम दौस, इन दोनों उदाहरणों में ब के स्थान में प और ज के स्थान में त होना चाहिए, परंतु वैसा नहीं होता है। वहां ब और ज ही रह जाता है। ग्रासमन महोदय ने
उसके लिए एक नियम प्रतिपादित किया कि जब दो महाप्राण ध्वनियां एकत्र रहती है तो उसमें प्रथम अल्प प्राण ही रहता है, उसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। जैसे संस्कृत के दा धातु से दधात धधात के स्थान पर दधात का प्रयोग होता है, ध महाप्राण है अतः उसका प्रथम अल्प प्राण होकर द हो जाता है और दधात रूप होता है। उसी प्रकार भ्री धातु से निर्भित न होकर उससे विभर्त रूप होता है। जहाँ कहीं भी ग्रीम नियम के अपवाद दिखलाई पड़ते हैं वहाँ यही स्थिति रहती है। दो महाप्राण ध्वनियों में प्रथम आवश्यक रूप से अल्प प्राण हो जाती यह नियम जैसे संस्कृत लेटिन गाथिन आदि भाषाओं में लागू होता है, वैसे जर्मन तथा में भी लागू होता है। जहाँ अकेले ग द ब रहता है वहाँ क च प नियमित रूप से होता ही है। ग्रासमन के उपर्युक्त नियम से ग्रीम के बहुत से अपवादों का नियमित तो हो गया, परंतु बहुत से अपवाद यथा अवस्थित रहे। फेरना नियम ग्रीम नियम के अनुसार संस्कृत ग्रीक आदि के बहुत सारे नियमों में विद्यमान क च प का जर्मनिक में ख च फ होना चाहिए वैसा न होकर ग द ब हो जाता है। ऐसा क्यों, यह समस्या है। फेरनर ने समाधान दिया है कि ग्रीम नियम बलाघात पर आधारित है। यदि भारोपी क च फ के पूर्व बलाघात अर्थात कुजातादि स्वर हो तो परिवर्तन ग्रीम नियम के अनुसार होता है, और यदि उदातादि स्वर उस क च प से बाद हो तो वह परिवर्तन ग्रासमन नियम के अनुसार होता है। उसका क च प का ग द ब हो जाता है। जैसे संस्कृत युपसास गाथिन युंगस अंग्रेजी यंग संस्कृत सतम गाथिन हुन अंग्रेजी हुंडेड संस्कृत सप्तन गाथिन श्रीबुन अंग्रेजी सेवन यह प्रवृत्ति अंग्रेजी में भी पाई जाती है। ग्रीम नियम के अनुसार जैसा भी हो जाता है वैसे के क थे होना चाहिए, परंतु वैसा न होकर दे तत्र का यत्र होना चाहिए परंतु देयर होता है। संक्षेप में ग्रीम नियम का यही स्वरूप है और जिसमें अपवाद के कारण ग्रासमन तथा फेरनर ने संशोधन प्रस्तुत कर समस्याओं का समाधान किया है। प्रिय छात्रों, भाषा विज्ञान में ग्रीम नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीम नियम